हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेस्ट दो अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक आ चुका है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल है और दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड अपडेट जो आया है बार्क की तरफ से आया है, बहुत ही बढ़िया अपडेट आया हुआ है। इसके लिए भी हर कोई कैंडिडेट आप में से एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। दोनों नोटिफिकेशन का वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। सो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आप वेबसाइट देख पाएंगे वो हमारी ही साइट है, वहाँ पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। दोनों जो अपडेट आए हैं पोस्ट ऑफिस का एंड बार्क, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाला है, अप्लाई कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो पोस्ट ऑफिस का बिल्कुल फ्रेश अपडेट आया है उसके बारे में। पोस्ट ऑफिस का जो अपडेट आया है, इसके लिए किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपकी सैलरी पैकेज भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके लिए अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ, सबसे पहले जो पोस्ट आउट की गई है, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट की गई हैं। और नेक्स्ट जो पोस्ट है पोस्टमैन की आउट हुई है, उसके बाद क्लर्क की वैकेंसीज है, एंड देन मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। अब अगर हम पोस्ट वाइज सैलरी की बात करें, सबसे पहले जो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की, इसमें आपकी 81,100 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्टमैन के लिए, इसके लिए आपकी 69,100 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो क्लर्क की वैकेंसीज है, जिसमें आपकी 19,900 से 56,900 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है एमटीएस की है, मिस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसके लिए भी सेम आपकी सैलरी रहने वाली है जो मैंने आपको क्लर्क की बताई है, जो कि 19,900 से 56,900 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, आपको पे करना है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। आगे मैं आपको बताऊंगी भी अप्लाई किस तरीके से करना है। और इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। उसके बाद 12th पास के लिए क्लर्क की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन पोस्टमैन सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12th ग्रेजुएट 10th पास, कोई भी एलिजिबल है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसे मैंने आपको बताया अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 29th September 2021 तक आपको अप्लाई कर लेना है। और इसके लिए अब बात आती है कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने अटैच किया हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आपने अच्छे से फिल करना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नेम मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस क्या है, देन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की है, एज लिमिट, हर एक डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करके इनके गिवन एड्रेस पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी साथ में अटैच करनी है। साथ में आपके आईडी प्रूफ की जीरोक्स कॉपी और जो मैंने आपको फ़ी बताई है, इनके नेम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। आपको अच्छे से पहले फिल करना है, फिर इनके गिवन एड्रेस पर 29th September 2021 तक आपको अप्लाई कर लेना है। और पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसीज आई हुई है, इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, एंड अदर्स को एज पर नॉर्म से रिलैक्सेशन दिया जा रहा है।
बाकी मिनिमम जो एज इसमें रहने वाली है दैट इज़ 18, मैक्सिमम की अगर हम बात करें 27 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपको इसके लिए दिया जा रहा है। बाकी जो सेकंड अपडेट आया है बार्क का, जो मैंने आपको बताया बहुत ही बढ़िया अपडेट आया हुआ है, उसके लिए भी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ अप्लाई किस तरह से करना है। डिस्क्रिप्शन में सेकंड वाला लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा, उसमें इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म को अटैच किया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, जैसे मैंने आपको पोस्ट ऑफिस का बताया एज इट इज़ आपको फिल करना है और अपने जीरोक्स कॉपी साथ में लगानी है आईडी प्रूफ की एंड आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो सारी आपको फिल करना है फॉर्म अच्छे से और इनके गिवन एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। 15 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, अप्लाई करना आज से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। सो इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल है और दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो बार्क का अपडेट आया है इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और एक चीज़ मैं स्किप कर गई, जो पोस्ट ऑफिस का अपडेट है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, तो मोस्टली होता क्या है कि जब GDS की वैकेंसीज आती है आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली मेरिट लगती है, बट ये वाला जो अपडेट आया हुआ है इसमें आपका ना कोई एग्ज़ाम होगा ना इंटरव्यू होगा ना ही आपकी इसमें मेरिट लगेगी। सिर्फ आपके स्किल्स को देखते हुए जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, उनकी ही इसमें उस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का अपडेट है ना वो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आया हुआ है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी हम बात करें बार्क के अपडेट के बारे में, जिसमें आपकी सैलरी की बात करें 21,700 से 35,400 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। जॉब लोकेशन भी आपकी अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया इस नोटिफिकेशन के लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। एज लिमिट की अगर हम बात करें आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 है तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है, OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है 12th पास है, इवन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं या वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई है। इसमें जो फर्स्ट पोस्ट आउट की गई है सब ऑफिसर की आउट की गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए आउट की गई है। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई आपको ज़रूर करना है। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। कोई भी आपका क्वेश्चन है कोई भी डाउट है आपको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।